good morning students how are you all i hope all of you are doing good at home so let's start our day today is saturday and the date is 27 november 2020 this is worksheet number 120 this is an english worksheet from the story the little fair tree so once again good morning students Let us start our day by saying nice things about ourselves. Read the following lines and repeat them loudly. तो प्यारे बच्चों आज हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बोलकर तो आपको नीचे दी गई लाइनों को जोर से पढ़ना है ठीक है आई एम स्मार्ट आई एम ब्यूटिफुल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैं स्मार्ट हूँ मैं सुंदर हूँ यानी कि ब्यूटिफुल हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व है डिड रिपीटिंग दीज लाइन्स ब्रिंग अ स्मा टू योर फेस क्या ये लाइने बोलते हुए इन लाइनों को दोहराते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान आई आई एम श्योर इट डिड मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी मॉर्निंग वेन यू गेट अप डू टेल दी थ्री थिंग्स टू योर सेल्फ तो आज से ही हर सुबह जब आप उठेंगे तो अपने आप को ये तीन बातें बोलेंगे आई एम स्मार्ट आई एम ब्यूटिफुल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ वी नीड टू लव आर सेल्फ एंड आर बॉडी टू हम सभी को अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है और अपने शरीर से भी अपने आप से अपनी अपने शरीर से भी बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ जस्ट एज़ योर पेरेंट्स टीचर्स आर अबाउट यू आपको भी अपने ऊपर उतना ही प्राउड उतना ही गर्व करने की ज़रूरत है जितना आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपके आपसे करते हैं आपके टीचर आपसे प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है सुनाओ चिल्ड्रन डू यू रिमेंबर द फिर ट्री डू यू रिमेंबर द फिर ट्री वॉज अनहैप्पी विद इट्स लीव्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी क्या आपको याद है कि फिर ट्री जो था स्टोरी में वो शुरू शुरू में बहुत उदास था है ना दुखी था वो शेट्टी द मजिशियन ग्रांटेड हिम फोर विशेज फिर जादूगर शेट्टी ने उसकी चार विशेष यानी कि चार इच्छाएं पूरी की द ट्री यूज द विशेज टू चेंज इट्स लीव और ट्री ने अपनी तीन इच्छाएं जो थी वो अपनी पत्तियों को बदलने में इस्तेमाल की इन द एंड द ट्री रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स नीडल लाइक लीव्स और आखिर में उसे अपनी नुकीली पत्तियों का महत्व समझ में आ गया उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई एंड विश्ड टू हैव दम बैक और उसने विश किया कि उसकी नुकीली पत्तियाँ ही वापस आ जाए है ना सो नाओ द ट्री वॉज हैप्पी एंड लव्ड हिमसेल्फ अब वो ट्री अपने आप में बहुत खुश था और खुद से बहुत प्यार भी करने लगा था यू टू आर स्पेशल लाइक द फिल्ट्री आप सभी बच्चे भी इसी तरह हमारे लिए स्पेशल हो हमारे लिए ही नहीं अपने आप के लिए भी स्पेशल हो थिंक एंड राइट डाउन थिंग्स दैट मेक यू स्पेशल इन द गिवन बबल्स तो आज आपको अपने बारे में ही सोचना है और आपको ये लिखना है नीचे दिए गए बादलों में आपके बारे में ही जो बातें स्पेशल हैं ठीक है ना ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको स्पेशल बनाती हैं आपकी नज़रों में किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे आप ठीक है तो सबसे पहले बबल में क्या है थ्री थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ ऐसी तीन चीज़ें लिखिए जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं हो सकता है किसी को उसकी स्माइल अच्छी लगती हो हो सकता है किसी को उसका नेचर अच्छा लगता हो हो सकता है किसी को अपनी हाइट अच्छी लगती हो हो सकता है किसी को जोक करना अच्छा लगता हो सकता है किसी को पेंटिंग अच्छी लगती हो अपने कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ सो so, आपको अपने बारे में ऐसी तीन चीज़ें लिखनी है जो खुद के बारे में आपको अच्छी लगती हैं अब बबल नंबर टू माई फैमिली और टीचर प्रेज इज़ मी फॉर यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी फैमिली या टीचर आपकी किस लिए तारीफ़ करते हैं आपकी प्रेज तो करते हैं है ना तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपकी फ़ैमिली या आपके टीचर आपकी तारीफ़ करते हैं ये आपको तीन चीज़ें दूसरे नंबर के बबल में लिखनी है नाओ बबल नंबर थ्री थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुश करती हूँ ऐसी चीज़ें जिन्हें देख कर जिन्हें फील करके या जो मुझ जो मुझ मतलब जो मुझे खुश कर सकती हूँ जो मेरे मूड अपसेट भी हो तो मुझे उसे लाइट कर दें और मुझे बहुत अच्छा फील कराती हूँ तो ऐसी चीज़ें क्या हैं जो आपको खुश करती हैं आपको वो चीज़ों की लिस्ट बनानी है आप मिनिमम तीन चीज़ें ज़रूर लिखेंगे यानी कि कम से कम तीन लिखे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चौथे बबल में क्या है थ्री थिंग्स आई एम गुड एट ऐसी तीन चीज़ें जिसमें आप बिल्कुल अच्छे हो यानी कि जो आप बहुत बढ़िया करते हो आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा शायद करता ही ना हो है ना जो आपको लगता है ऐसा ठीक है तो आपको आज अपने बारे में बात करनी है और ये रियलाइज़ करना है कि क्या चीज़ है जो आपके हिसाब से आप में अच्छी है क्या चीज़ है जो आपके टीचर्स को आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप में बहुत अच्छी है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश कर देती हैं और आपके हिसाब से आप कौन से काम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये है आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट का मेन पर्पज़ क्या है आपको आपके बारे में कुछ अच्छा बताना है ना जब आप ये वर्कशीट कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ और साथ ही साथ आपके चेहरे पे ये स्माइल जो है वो हमेशा बनी रहेगी तो डेली सुबह उठकर अपने आप को ये बातें आप बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे अच्छा हूँ है ना तो ये है आपकी आज की वर्कशीट इस वर्कशीट को जब आप करेंगे तो एंड में रिज़ल्ट ये होगा कि आप बहुत खुश होंगे जो मुझे लगता है कि हाँ सब बच्चे बहुत खुश होंगे तो कीजिए अपनी आज की वर्कशीट हम मिलेंगे आप मंडे को तब तक के लिए धन्यवाद